यार ये मैं ना यहाँ पे आया हुआ था वो लेने फ्यूज़, तो ये फ्यूज़ आप देख रहे हो मेरे हाथों में, इसकी कॉस्ट है 3 रुपीज़ पर। हमें ये कह रहे थे यार आप फ्री ले जाओ। सर थैंक यू आपका, आप पाकिस्तान का इमेज इस तरह क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि सवात के बारे में तो हमने सुना था कि वहाँ बड़ी दहशतगर्दी है, पर यहाँ आके हमें फील कर रहा है, फील हो रहा है कि यहाँ पुरअमन और यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। नहीं मेहमान तो होना पड़ता है यार, मेहमान एक दफा आते हैं, बार बार नहीं आता। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कॉस्मिक व्लॉग्स, वेलकम टू सवात। इस समय कलाम में हूँ और 2 दिन व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था, रास्ता बहुत ज़्यादा सफ़र की है। तो उन 2 दिन का व्लॉग तो मैं पहले भी बताता हूँ, मैं सबसे पहले तो शाम में स्टे किया, शाम में स्टे किया है 500 रुपीज़ रूम के हिसाब से। फिर उसके बाद जो है वहाँ से गाड़ी ली है शाम से मंदोरा तक की, वो तकरीबन जो पड़ी है 500 की, 2000 की टोटल कॉस्ट है उसकी। 4 बंदे अपने साथ एडजस्ट भी है तो वो 500 पर्सन आया। चलिए गाड़ी मैंने करवाई है सवात से शाम से मंगोरा के लिए, 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है और 3 घंटे में हमें पहुंचा देंगे वहाँ। उसके बाद मैं हिल्टन होटल में इन लोगों का वेट करता रहा, वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा इधर आए कलाम, रस्ते में कलाम के बहरीन में हमारा स्टे था। बहरीन में ये सीन है कि 2 दरिया आपस में मिलते हैं, एक का कलर ब्लू है एक का कलर ब्राउन है, तो वो 2 जब आपस में मिलते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा एक मंजर लगता है। तो बहरीन में रुकना बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद अब कलाम में रात को थोड़ा बहुत ब्लॉक किया, नहीं किया बस सरसरी सा, क्योंकि थका हुआ था बहुत ज़्यादा तो सो गया। अब आज वॉक्स स्टार्ट करने लगा हूँ प्रॉपरली, क्योंकि पिछले 2 दिन की भी कसर निकालनी है। तो सीन ऐसा है कि आज हमने जाना है ग्लेशियर देखने, माउंडा लेक और कुछ मुशी फॉरेस्ट, तो वह कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। सवात ज़्यादा क्रेजी है, मुझे लगता है कि अगर सवात की और इसकी कलाम की और मंगोरा इसकी मालम जब्बा की रोड बन जाती है तो सवात टूरिज़म सबसे आगे चला जाएगा। इट्स अ वेरी ग्रेट टाइम टू बीइंग ओवर देयर और बहुत अच्छा ट्रैवल मिला है। थोड़ा सा रूम टूर करवा देते हैं, ये हमारा रूम टूर। अच्छा हमारा रूम टूर करवाएंगे क्या यार? ये मीर भाई हैं, ये टोटली सवाद के हैं, वो हमारे ड्राइवर भैया फुल टाइट सो रहे हैं। ये जोगी भाई हैं, जोगी भाई आधे ला दें प्लीज़, आपके पीछे फ्लैश बज रहा है बहुत ज़्यादा। ये जोगी भाई हैं, वो हसन भाई हैं, वो जवार भाई को देखें फुल। सुबह ये सुबह ये नाश्ता हो रहा है नाश्ते से पहले, और ये हमारे फोटोग्राफर हैं सर, आप भी आदि ला ये बाल हिला रहे हैं। आज का टास्क है हमारा इन लोगों को उठाना, 401 से शुरू है, 401 से शुरू है, बच्चों को उठाना शुरू करना 401 से लेके 101 तक। वेकअप कॉल बह रहा है होटल के सामने से, और ये दरिया सवात है, सामने फॉरेस्ट है। जब बंदा जाता है ना इतनी दूर तो सिर्फ अच्छी लोकेशन ही ढूंढता है, और ये उन अच्छी लोकेशन में से एक है। ये हसन भाई हैं, जानते होंगे आप पिछले एपिसोड से, भोजपुरी का दौर तो आप सबको याद होगा, इनकी वजह से वो ज़्यादा हिट किया है, तो इसलिए मैंने कहा यार लेकिन इस बार सारा ये कर रहे हैं, मैंने कहा यार इस बार जो भी सारी रजाकारी करेंगे इस बार मैं कैमरा यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि इनकी वजह कैमरा यूज़ करते थे तो मैं गिर जाता था, तो इस दफ़ा वो अब ये नहीं करेंगे, नहीं करूँ वो तो फिर भी जगह थी जगह काफ़ी बर्दाश्त था गिरना, लेकिन यहाँ पर गिरे तो फिर चाहे यहाँ तीसरा ब्लॉग ना देखेंगे, यहाँ गिरे तो फिर बस ब्लॉगिंग चैनल खत्म। तो यार इस वक्त कलाम में वेदर इज़ टू गुड, अच्छी सी धूप पड़ रही है, मुंह के ऊपर मज़ा आ रहा है, और अब हमने जाना है महुंडा लेक, बहुत जगह जाना है, तुमने देखना है, अब सब बता देंगे तो फिर सस्पेंस किस करेगा। तो अब टाइम है यार आगे जाने का, तो आगे जाने के लिए एक अच्छी गाड़ी चाहिए। अच्छी गाड़ी होने का मकसद ये है कि उसकी गाड़ी के शॉक्स अच्छे हों, उसकी कैपेसिटी अच्छी हो, और टोटल जितनी हमारी पब्लिक है वो सब उसमें एडजस्ट हो सके। तो हमने इसलिए अपनी पब्लिक को देखते हुए ये गाड़ियाँ बुक करवाई हैं, जिसमें 7 की कैपेसिटी है फॉर गर्ल्स, और इससे बड़ी गाड़ी है जिसको डाउटसन कहते हैं, जो फौजियों की और तालिबान के पास होती थी, उसमें हमारे पास है 12 लोग।
ये वाली गाड़ी को ब्रीफ मैंने किया है, अब वाली गाड़ी को हसन ब्रीफ करेंगे। हसन मुझे बताएं कि ये गाड़ी में जी इस गाड़ी को क्या कहते हैं जी? इस गाड़ी को डाला कहते हैं, डॉसन डाला कहते हैं जी। इसमें कितने बंदे आएंगे एक गाड़ी में? इसमें 12 बंदे। 12 बंदे आएंगे। और ये शॉक्स प्रूफ वाली है या दूसरी वाली है? ये कमानी वाली। कमानी वाली है। कमानियाँ टूटती नहीं आप इतने झटके हैं, वैसे पूछ रहा हूँ। टूटती है फिर बदलवाते रहते हो यार। गड़ों की वजह से जाना, वैसे तो शॉक्स वाली गाड़ी होनी चाहिए, पर कमानियाँ भी हैं तो ज़रूरत ही जात की माए जो है वो शुक्र अल्लाह का। तो ये सारी गाड़ियाँ कमानियों वाली हैं? तो लड़कियों को जो गाड़ियाँ मिल रही हैं वो अच्छी हैं, और जो हम लड़कों को मिल रही हैं ना, आइए तो यार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है यार, वो स्वाद में आके भी हमारे साथ जाती हुई। हम टूर गाइड हैं, सो हम लोग तो फिर भी जीप पे जाएंगे, हमारे लिए प्राडो ही है। क्या मसला हो गया था? सिलेंडर खराब था। अब सेट हो गया? अब क्या, अब उड़ते जाएंगे? डंडा डंडा जाएगा, अब डंडा जाएगा। गाइस वी आर एट महुडन लेक, और महुडन लेक पे बोटिंग भी है और कैंपिंग भी है। कैंपिंग का रेट यहाँ पे 1500 है, उसमें 4 बंदे एडजस्ट कर सकते हैं। उससे बड़ा भी कैंप है, उसमें ऑलमोस्ट 2500 का है वो, और उसमें ऑलमोस्ट 800 लोग आ जाते हैं। उससे छोटा है वो 1000 का, उसमें सिर्फ 2 बंदे एडजस्ट होते हैं। इसके अलावा महुडन लेक के पास आप बोटिंग कर सकते हैं, और बोट्स आपको पीछे नज़र आ रही हैं। एक बोट पर लोग बैठते हैं, 1000 रुपये लेता है ये पर रूम का छोटा, और 500 का छोटा और 1000 का बड़ा। हॉर्स राइडिंग भी है यहाँ पे, तो इस लस ग्रीन ग्राउंड में काफ़ी कुछ है, और इसका जो एक्चुअल व्यू है वो चेक करें। इन्फॉर्मेशन मैं झील से वापस आ गया हूँ, इधर बैठ गया हूँ आके गाड़ी में। उसकी वजह यह कि एक तो बार बारिश हो रही है जो मुझे इरिटेट कर, तो ग्लासेस भी पहने हुए, ग्लासेस इसलिए पहने हुए कि गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, आँखों को रिलैक्सेशन जो मिल रही है क्या कहने हैं उसके। दूसरा ये कि इन्फॉर्मेशन ये थी कि माहुडन का मतलब होता है बेसिकली, माही मीन्स फिश और डन मीन्स तालाब, तो ये माही डन था जो माहुडन पे कन्वर्ट हो गया। तो इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। आज का ऑलमोस्ट जो है वो विजिटिंग प्लेस यहीं तक था। कि आप लोग मेरे हर व्लॉग को पसंद कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो भी बता दें, कर रहे हैं तो भी बता दें, ताकि मुझे जो है ना पता चलता जाए बाहर। मैच में बहुत नाजुक सूरत हाल है, कैसा दिया थे?